आगे बढ़े और आपको बताएं कि जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल कहती हैं कि रूसी ऑपोजिशन लीडर को कत्ल करने की कोशिश काबिले मजम्मत है और यूरोपीय यूनियन को नतायज से आगाह किया जा रहा है। रूसी मौकफ सामने आने पर मुश्तरका और मुनासिब रद्द अमल दिया जाएगा। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा है कि रूस के बड़े अपोजिशन लीडर एलेक्सी नवाल्नी को कीमियाई आसाबी एजेंट से कत्ल करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा है कि रूसी सफीर को इस बात से आगाह कर दिया है और तवक्को की जा रही है कि रूसी हुकूमत सदर पुतिन के मुखालिफ को जहर से हलाक किए जाने की इस कोशिश के बारे में अपना मौकफ वाज़ह करेगी। एंजेला मर्केल ने बताया है कि यूरोपीय यूनियन और नेटो के रुकन ममालिक को भी नतायज से आगाह किया जा रहा है। रूसी मौकफ सामने आने पर मुश्तरका और मुनासिब रद्द अमल दिया जाएगा। एंजेला मर्केल ने कहा कि एलेक्सी नवाल्नी को खामोश करने की कोशिश की गई है जिसकी वो सख्त अल्फाज में मुजम्मत करती हैं। एलेक्सी नवाल्नी बर्लिन में जेरे इलाज हैं। उन्हें जहरीले केमिकल से निशाना बनाया गया है। वो नोविचॉक ग्रुप से ताल्लुक रखता है। इसी केमिकल से रूस के साबिक जासूस सरगेई स्कर्पल और उसकी बेटी जूलिया को भी निशाना बनाए जाने का दावा किया गया था।